नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए तीन उपचार लेके आए हैं स्किन को गोरा करने के लिए। तो उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं केले का, बनाने का, ग्वारपटा, एलोवेरा का, गुलाब जल, रोज वाटर और दूध या मिल्क। इन चार चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं केले की। केला क्या करता है कि इसमें विटामिन सी जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, और ये प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। मृत कोशिकाएं जो होती है अपनी स्किन की उसको मतलब सही करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी जो होता है वो चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन का निखार निकालने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आता है मिल्क। मिल्क आपको लेना है कच्चा दूध, यानी कि बिना उबाला हुआ दूध। इस दूध में क्या होता है, उबालने पर क्या होते हैं, इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूध में विटामिन बी काफ़ी अच्छा होता है जबकि केले में सी होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। ये त्वचा के भीतर पोषण देते हैं, और ये दूध जो होता है इसमें एक लैक्टिड एसिड नाम का पदार्थ होता है जो आपको रंग को गोरा करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही गुलाब जल जो होता है, अब हम सभी जानते हैं, सर्दियों में मॉइस्चराइज करता है चेहरे को साफ करने के लिए, और जो मृत कोशिकाएं होती है, चेहरा ऊपर से सूख गया होता है, उसके लिए गुलाब जल काफ़ी अच्छा होता है। एलोवेरा जो होता है स्किन को टाइट अच्छी करता है। उसी के बाद ये नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, एंटीबायोटिक होता है, और धूल प्रदूषण के कारण जो चेहरे में खराबी होती है वो ये ठीक करता है। तो ये इनका आप बेसिकली होम रेमेडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपचार मैं आपको बताने वाला हूँ केले और दूध का। आपको क्या करना है, केले को ऐसे छीन ले और इसके छोटे छोटे आप ऐसे टुकड़े कर ले। आप उतने टुकड़े कर लें जितना पेस्ट आपकी चेहरे पर आ जाए, जैसे कि हम मिल्क शेक बनाते हैं उस टाइप से आपको करना है। अब इसमें आप थोड़ा दूध मिला लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आप दूध मिला लें ताकि अच्छा सा लिक्विड बन जाए, और इसे ऐसे दबा लें। आप चाहे तो मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस टाइप का आपको पेस्ट बनाना है। मैंने ये हाथ से बनाया है इसलिए अच्छा नहीं बनाया है। आप मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से अच्छा सा पेस्ट बना लें, एक साथ मिक्स कर लें, और इसे आप चेहरे पर लगा लें, चेहरे मुंह पर आप इसे अच्छे से लगा लें, और उसके बाद आधे घंटे तक रहने के बाद आप इसे धो लें चेहरे को अच्छे से पानी से, और फिर ड्राई टॉवल से साफ कर लें चेहरा। ये आप अगर 5 से 7 दिन आजमाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रेमेडीज होता है स्किन को गोरा करने के लिए। और दूसरे उपचार में आप क्या कर सकते हैं, रोज़ वाटर और मिल्क, इन दोनों को आपस में मिला लें, और रात को बराबर मात्रा में भी मिला सकते हैं, और रात को लगा के सो जाएं, और सवेरे आप जब उठते हैं उस टाइम आप गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें और ड्राई टॉवल से आप साफ कर लें, तो ये भी एक अच्छी रेमेडीज होती है चेहरे को ब्राइट करने के लिए। और थर्ड जो है एलोवेरा जेल, खाली एलोवेरा जेल आप चेहरे पर लगा लें, 30 मिनट के लिए लगा के रखें। ये आपकी त्वचा को गोरा करता है, साफ ही नम बनाएगा, और जो एंटीबायोटिक का काम करता है साफ सुथरी करने में काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसे लगा लें और 30 मिनट्स के बाद आप चेहरे को धो लें गुनगुने पानी से और साफ कर दें ड्राई टॉवल से, तो ये भी गोरा बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये तीन रेमेडीज बताई है मैंने, आपको जो पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, ये तीनों रेमेडीज साथ में आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको जो पसंद आए आप वो इसमें से कोई सी भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और भविष्य की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।